भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भरोसा जताया कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार से वापसी करेगी और कहा कि घरेलू टीम के पास सीरीज जीतने के लिए बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं। उन्होंने कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा कप्तान के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर बताया। गांगुली ने कहा, कोहली वापसी करेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अद्भुत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार चार टेस्ट मैचों में शतक जड़ते हुए शानदार था। मैंने सचिन तेंदुलकर को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दौरे पर हर स्टेडियम में चार टेस्ट शतक जड़ना सचमुच काफी विशेष प्रयास है। गांगुली ने कोहली की कप्तानी की प्रशंसा करते हुए कहा, पुणे में मैच के बाद विराट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे वो बहुत पसंद आई। वो कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये सिर्फ ऐसा था कि हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और इसलिए हम टेस्ट मैच हार गए। साथ ही उसने ये भी कहा कि ये एक ही टेस्ट था और मैं भी इसी में विश्वास करता हूँ। कोहली की नेतृत्व क्षमता शानदार है, मुझे उसकी कप्तानी पर पूरा भरोसा है। वो ईमानदार है, जो काफी अहम है, और टीम को उसका संदेश बहुत स्पष्ट है। गांगुली ने पुणे पिच के बारे में कहा, जब आप पुणे जैसी पिच बनाते हो और मैं जानता हूँ कि क्यूरेटर भी खुश नहीं था, तब आप औसत गेंदबाज को एक मौका देते हो और मैं स्टीवन ओकीफे को कमतर करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है जो सामान्य तौर पर बल्लेबाजी पिच पर नहीं होता। भारत को अच्छी पिचें बनाने की जरूरत है। टेस्ट मैच को चौथे दिन तक पहुंचाएं और इसे आगे बढ़ाएं। गांगुली ने कहा, पिछले 10 महीनों में भारतीय टीम शानदार रही है, सब मैच जीत रही है, लेकिन उन्हें वापसी करनी होगी और अच्छा खेलना होगा। आप भी घरेलू मैदान पर हारते हो और कई टीमें भी ऐसे हार चुकी हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है और आपको सिर्फ ब्रेक लेकर बेंगलुरु में वापसी करनी होगी। आपको बता दें कि टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।